माशाल्लाह साबिर गोल्ड फॉर्म पे अगर हमारे साथ रल के कारोबार वगैरह करना चाहते ना इंशाल्लाह आप पहुँचे साबिर गोल्ड फॉर्म पे। सेल परचेज पॉइंट आप अपने शहरों में भी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया कमाए, और हमारे पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने जानवर वगैरह खरीदे हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और उन्होंने सारे बड़े बकरे लिए सियालकोट से आए हैं, तो उनका नंबर वगैरह भी आपको बता देंगे अगर उनसे जानवर लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे साथ रल के पार्टनर शिफ्ट करना चाहते हैं आप अपने शहरों में सेल परचेज, तो हमारे फार्म पे आप आएँ और रल के कारोबार करेंगे, अपने शहरों में आप बेचें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका नाम होगा आपके शहरों में। सेल परचेज पॉइंट बनाए माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, इस बिज़नेस को ज़्यादा आप प्रमोट करें मेरे भाई, आप अपने शहरों में आप इस काम को करके दिखाएं, क्योंकि इस बकरे की डिमांड पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये जो लोग आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं खासकर कहाँ से है, मेरे ख्याल से सियालकोट का मुझे बता रहे थे, और दोबारा उनसे एड्रेस भी पूछते हैं। तकरीबन 55 से 60 बकरा लिया है माशाल्लाह, सारे हैवी किस्म के बड़े बकरे सियालकोट में। अगर आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी पाकिस्तान के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप डेरा गाजी खान में आए सेल परचेज के लिए, हमारे से हमसे बकरे लें, और आपका नंबर भी वीडियो के अंदर ही लगा देंगे। जो सियालकोट से 2, 4, 8, 10 लेना चाहते हैं ना अपनी कुर्बानी के लिए, वो आपसे आके लेगा, आप उधर सस्ते प्राइस में देंगे तो आगे आपका बकरा ज़्यादा सेल होगा, इधर भी हम कम प्राइस में देंगे, आप अपना हक हिलाल का 10-15 हज़ार मुनाफा रखें उसको बेच दें। और अक्सर लोग यही बकरे लेके ना लाहौर में हम खुद भी लेके जाए ना, एक मिसाल है सियालकोट या फैसलाबाद गुजरांवाला पिंडी कराची, तकरीबन 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार हमें बकरा मुनाफा देता है। आप जितना कम मुनाफा रखेंगे बकरा उतना ज़्यादा सेल होगा, आपके शहर में एक ना एक दिन नाम होगा मेरे भाई। और इन भाइयों से पूछते हैं कौन सी जगह से आए हैं और कितने बकरे माशाल्लाह से लिए हैं, और कल रात को इनका हमारा सौदा हो गया था और ये सेल परचेज के लिए माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं, और भाई से मुलाकात कराता हूँ मैं आपकी और जिन्होंने लिए है माशाल्लाह से। बाकी लोडिंग जारी है साबिर गोल्ड फार्म की तरफ से, प्राइस ये नहीं बताएँगे, तो बाकी उनका भी हक है अपनी रोजी रख के देंगे ना, ऐसे कोई नहीं देगा मेरे भाई। अगर सस्ती रेंज लेनी है तो आज कल ही आप साबिर गोल्ड फार्म पर पहुँचें, इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब प्राइस में, आप अपने शहरों की मंडियां चेक करें उसके बाद साबिर गोल्ड फार्म पे आएँ, आपको इंशाल्लाह उधर से 10-15 हज़ार बकरा सस्ता देंगे मेरे भाई। पहले वज़न एक आपको ज़रूर बात बताऊं, बकरा डबल सिंगल भी होता है, कद बराबर होता है, और जो सिंगल बकरा है 15 हज़ार सस्ता होता है, जो डबल होता है 15 हज़ार ज़्यादा होता है, 20 हज़ार ज़्यादा होता है, कुछ 10 हज़ार उसके पीठ के ऊपर होता है मेरे भाई। ये पतला बकरा है ठीक है, और एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये मोटा बकरा, इसकी पीठ आप चेक करें, इसकी पीठ भी देखें, पतला और मोटे बकरे का बहुत फ़र्क आता है, आप ये चीज़ अपने जहन में रखना, आप अपने शहरों में प्राइस चेक करें, उनके पीठ लाजमी देखें, वज़न का आइडिया भी लें, उसके बाद आप ये करें। भाई से मिलवाता हूँ मैं आपको, माशाल्लाह से गाड़ी पर लोडिंग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर, ठीक हो तो भैया? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपका नाम क्या है? हसनैन आबाद से सियालकोट छोड़ने चलारिया से है, गुलशन पार्क के साथ हमारा गांव है। कितना अरसा हो गया वीडियो देख देख के शौक किया? ये आपका जो है तकरीबन 8 माह हो गया आपको देख देख हमें शौक आया, हमने इधर से आया और ये माल लिया हमने। और उधर कितने जानवर रखे हुए हैं ऑलरेडी? और इसके अलावा हमारे पास 50-60 जानवर उधर है। अच्छा, 50 के ज्यादा इधर ले हैं, ये सारे हमने सेल करने हैं इंशाल्लाह। एड्रेस पूरा बताएं, दोस्त यार आएंगे ना जानवर लेने आपसे? सियालकोट है हमारा गांव शहर है, और गांव है बिस्मिल्लाह चौक, उसके साथ ही छोड़ी सलहरिया गांव है, उधर हमारा जो ना फार्म है, ये उधर से हम सेल करेगा, उस शहर के अंदर भी करेगा इंशाल्लाह सियालकोट में। शहर कौन सी जगह? नेकापुरा में। नेकापुरा यार मेरी बात सुने, जो हमारे रेफरेंस है ना उसको मुनासिब देना, अगर महंगे देंगे वो नहीं लेगा, अगर जायद मुनाफा रख के ना उसको दें, बिल्कुल मुनाफा मिलेगा, आगे जो है ना इंशाल्लाह आप और बकरे लेके डालें, हम मुनाफा कम रखे जानवर ज्यादा सेल होगा। अब हक